किशनगंज टाउन थाना परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त लगभग 1,757 लीटर देशी विदेशी शराब और स्पिरिट को नष्ट कर दिया गया। एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत प्रखंड कृषि पदाधिकारी अंसार अहमद रिजवी, थाना अध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु की निगरानी में जेसीबी मशीन से गड्ढे में शराब की बोतलों को नष्ट कर जमींदोज कर दिया गया। जिले के अलग अलग 9 थानों से जब्त कुल 1,757 लीटर शराब के अलावे उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त किए गए 891 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण भी किया गया। वहीं मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने पुष्टि कर कहा कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए आम आदमी को भी जागरूक होकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है, इसमें किशनगंज जिला के 9 भिन्न थाना क्षेत्रों से 1,757.410 देसी विदेशी चुराली और स्पिरिट ये सारी शराब का जब्त किया गया। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी वाले डिपार्टमेंट से 891 लीटर के आसपास देसी विदेशी हर तरह के शराब का विनिष्टीकरण आज यहाँ पे हो रहा है।